हाय व्यूअर्स, दिस इज विवेक दत्त फ्रॉम साउथ टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिपिनशियर ब्रांड का म्यूजिक पूल, जो कि एक ब्लूटूथ रिसीवर है, उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये म्यूजिक पूल जो डिवाइस है, ये बेसिकली एक ब्लूटूथ रिसीवर है। इसको आप आपका कार में यूज कर सकते हैं, आपका घर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना कार है जिसका म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है, तो आपको काफी सारी परेशानी उठाना पड़ता है। जैसे कि कॉल वगैरह आया तो आपको फोन उठा के बात करना पड़ता है, या आपका कार का म्यूजिक सिस्टम में आप आपका मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर सकते, वहां से गाना वगैरह नहीं सुन सकते। तो ये म्यूजिक पूल को अगर आप आपका कार में लगाते हैं, तो आपका कार का स्टीरियो जो है वो ब्लूटूथ एनेबल हो जाता है। मीन्स आप कॉल वगैरह भी उसमें रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आपका फोन को अगर कनेक्ट करते हैं तो फोन का गाना वगैरह भी उसमें सुन सकते हैं। तो उसमें इनबिल्ट बैटरी है जो कि 10 घंटा तक चलता है, और उसमें माइक्रोफोन भी है, तो उसका वॉइस क्लैरिटी भी काफी अच्छा है। तो आप इसको आपका कार में यूज कर सकते हैं, एंड अदर हैंड आप अगर इसको घर में यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टीवी है तो उसमें ब्लूटूथ है, और आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन या ईयरफोन नहीं है, तो भी आप नॉर्मल ईयरफोन को ये डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं और आपका टीवी का जो ऑडियो है इसमें सुन सकते हैं। जैसे रात के टाइम में कभी कभार हम टीवी देखते हैं तो घर में सभी लोग परेशान होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो आप ये डिवाइस को कनेक्ट करके आपका टीवी वगैरह भी रात के टाइम में देख सकते हैं। और थर्ड, अगर आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो आप आपका मोबाइल को आपका म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट नहीं कर सकते, या मोबाइल से कोई भी गाना वगैरह प्ले नहीं कर सकते, तो जगह में आप आपका म्यूजिक सिस्टम में ये जो म्यूजिक पुल डिवाइस है इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका मोबाइल को कनेक्ट करके आपका मोबाइल फोन से कोई भी गाना वगैरह आपका म्यूजिक सिस्टम में सुन सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि मल्टीपल काम में आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको amazon.in में मिल जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये है हमारा कुरियर बॉक्स पैक, इसको हम ओपन कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये है हमारा ओरिजिनल बॉक्स पैक, जैसे कि यहाँ पे डिपिनशियर का ब्रांडिंग दिया गया है, और ये जो डिवाइस है ये म्यूजिक पूल है, और यहाँ पे लिखा गया है वायरलेस ईयरफोन अडाप्टर ब्लूटूथ म्यूजिक रिसीवर। तो ये साइड में उसका कुछ डिटेल्स लिखा गया है, जैसे कि लॉन्ग स्टैंड बाय लिखा गया है, वॉइस प्रॉम्प्ट लिखा गया है, म्यूजिक एंड यहाँ पे माइक्रोफोन लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है 3-in-1 हाई क्वालिटी 3.5 mm जैक नॉइज आइसोलेशन, और यहाँ पे इसका बैटरी लाइफ जो है अप टू 10 आवर्स है। और ये साइड में भी कुछ डिटेल्स लिखा गया है, जैसे कि ये जो डिवाइस है देखने के लिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे उसका 3.5 mm का जो पोर्ट दिया गया है जो कि ईयरफोन एंड ऑक्स केबल का पोर्ट है, और यहाँ पे उसका माइक दिया गया है, और यहाँ पे माइक्रो इंटरफेस दिया गया है चार्जिंग के लिए जो कि माइक्रो USB है, और यहाँ पे उसका स्विच है, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है जो कि प्लस माइनस आप कर सकते हैं, और ये क्लिप दिया गया है। तो यहाँ पे कंपनी के तरफ से डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि इसका मॉडल जो है वो म्यूजिक पूल है, और यहाँ पे 132 ग्राम का है ये, और MRP जो है 1999 है, जबकि उससे कम प्राइस पे भी ये मिल जाता है। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे इतना सा सामान मिलता है, जैसे कि पहले उसका यूजर मैनुअल है ये जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, और सेकंड ये है हमारा मेन यूनिट जो कि काफी छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पाम के ऊपर रखा हूं तो ये कितना छोटा है। तो यहाँ पे एक ऑक्स केबल मिलता है जो कि 3.5 mm का डबल साइड में है, और यहाँ पे जो वायर दिया गया है यहाँ पे भी फैब्रिक कोटेड है, मीन्स ये अच्छा क्वालिटी का वायर है। तो यहाँ पे आपको एक USB 2 micro USB का केबल मिलता है इसको चार्ज करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ये केबल का क्वालिटी जो है काफी अच्छा है, और यहाँ पे एक रैपिंग दिया गया है, जब यूज नहीं करना है तो आप रैप करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये केबल का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो अभी हम फोकस करते हैं हमारा मेन यूनिट के ऊपर, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप है, तो ये क्लिप को किधर भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे उसका पावर बटन है, ये वॉल्यूम रखकर से, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट है, और यहाँ पे 3.5 mm का पोर्ट है जो कि ऑक्सिलरी केबल वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे उसका माइक है, और यहाँ पे पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए जो कि माइक्रो USB का केबल यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है, आप इसको लगा के कोई भी डिवाइस के थ्रू में इसको चार्ज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ये म्यूजिक पुल डिवाइस का वेट मेजर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओनली 15 ग्राम का है। तो यहाँ पे हम डिवाइस को निकाल देते हैं, और जैसे मैं आपको दिखाया था यहाँ पे एक ऑक्स का केबल देता है, तो आपको एक साइड यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जो गाड़ी में आपका ब्लूटूथ नहीं रहेगा, जैसे जो कार का म्यूजिक सिस्टम है उसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो वो जगह में आप ये डिवाइस को यूज कर सकते हैं और बात वगैरह कर सकते हैं, या आपका मोबाइल फोन से म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गाड़ी में एक जगह में एक ऑक्सिलरी पोर्ट होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ी में यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट है, उसके साइड में यूएसबी है। तो जो गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं होगा वो गाड़ी में ये ऑक्सिलरी पोर्ट भी डेफिनेटली रहेगा। तो यहाँ पे जो पिन है हम यहाँ पे उसका जो ऑक्स पॉइंट है वहां पे लगा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लग गया। तो ये कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसका पावर बटन जो है इसको प्रेस करके रखेंगे, इसको पेयरिंग मोड में लाएंगे, उसके बाद मोबाइल फोन से इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर है जो कि रेड एंड ब्लू ब्लिंक होगा, पावर ऑन, रेडी टू पेयर। तो आप इसका वॉइस कमांड सुन सकते हैं, आपका गाड़ी का स्पीकर में वो सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये सर्चिंग मोड में है, उसके बाद हम पेयर न्यू डिवाइस में जाएंगे। तो यहाँ पे म्यूजिक पुल आ रहा है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये कुछ टाइम में ये दोनों पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेयरिंग हो गया, तो अभी हम अगर मोबाइल फोन से कोई भी एक म्यूजिक प्ले करते हैं, तो यहाँ पे सुन सकते हैं ये म्यूजिक अभी कार का स्पीकर में चल रहा है, जैसे कि मैं कार का स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मल्टीफंक्शन बटन है इसको सिंगल अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से सिंगल क्लिक करने से म्यूजिक जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं म्यूजिक क्वालिटी काफी अच्छा है, आप कोई भी फोन से अगर कनेक्ट करते हैं तो म्यूजिक क्वालिटी आपको काफी अच्छा सुनने के लिए मिलता है। अगर कोई भी आपको कॉल करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आता है। तो यहाँ पे आपको एक एक नंबर सुनने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे ये बटन को हम सिंगल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं, तो ये कॉल जो है रिसीव हो गया, तो इको हो रहा है, मीन्स ये दोनों फोन मेरे पास है। तो मैं ये फोन लेके बाहर जाता हूँ और यहाँ पे इसको रखता हूँ, तो आपको समझ में आएगा इसका वॉइस क्लैरिटी कैसे आता है। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर से बात कर रहा हूँ, बट मेरा आवाज जो है वो गाड़ी का स्पीकर में सुनाई दे रहा है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं अगर इनकमिंग कॉल आपके पास आता है तो उसका वॉइस क्लैरिटी कैसे आएगा। तो अभी ये फोन को मैं बाहर ले जाता हूँ और इसको स्पीकर मोड में रखता हूँ, और मैं खुद गाड़ी के अंदर बैठ के आपको उसका माइक्रोफोन का क्वालिटी सुनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूजिक पुल डिवाइस इधर है, और दूसरा जो मोबाइल फोन है उसके पास कैमरा का माइक्रोफोन है। तो यहाँ से जो मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ और म्यूजिक पुल यहाँ पे है। तो आप माइक्रोफोन में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वहां से जान सकते हैं कि मेरा वॉइस क्लैरिटी कैसे आ रहा है। अगर बैक साइड सीट में भी कोई पैसेंजर बैठ के भी बात करते हैं तो भी वॉइस क्लैरिटी जो है बहुत अच्छा आपको सुनने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप गाना सुन रहे हैं, अगर आपको कोई कॉल करना है तो आप ये बटन को 2 टाइम्स अगर क्लिक करेंगे तो लास्ट डायल जो है वो ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा। तो देखिए अभी जो नंबर में हम कॉल किए थे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि डबल क्लिक किए तो कॉल लग गया, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करते हैं तो वो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये गाना जो है वो ऑटोमेटिक प्ले हो गया। तो ये डिवाइस में वॉल्यूम रॉकर्स भी है, मींस आप आपका कॉलिंग हुआ या गाना का
वॉल्यूम भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स में प्लस माइनस है, अगर हम माइनस को क्लिक करते हैं तो जो वॉल्यूम है आप सुन सकते हैं, वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ पे अगर इसको वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो देखिए ये फुल वॉल्यूम अभी हो गया। तो यहाँ से भी वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिप दिया गया है, तो आप आपका अकॉर्डिंग, आपका गाड़ी के अकॉर्डिंग इसको कोई भी जगह फिक्स कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, इसके अंदर जो इनबिल्ट बैटरी है ये 10 घंटा तक चलता है। अगर रनिंग गाड़ी में इसका बैटरी जो है लो हो गया तो भी आप इसको यहाँ पे लगा के कोई भी यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं तो ये चार्ज भी होगा विथ, ये अपना काम भी करेगा। तो ये आप कोई भी गाड़ी में लगा सकते हैं, बस इसको कोई भी एक जगह में फिक्स कर दीजिए और उसका एक जो केबल है उसको आपका गाड़ी का ऑक्सिलरी पोर्ट में लगा दीजिए। तो आपका गाड़ी में अगर ब्लूटूथ नहीं है तो ये टोटल ब्लूटूथ का काम करेगा। तो गाना आप मोबाइल वगैरह से प्ले कर सकते हैं, अगर आपको इनकमिंग कॉल आता है तो आप गाड़ी का जो स्पीकर है उसमें सुन सकते हैं या कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये म्यूजिक पुल को हम कार में अभी लगा के देखे तो कार में ये अच्छा तरीके से काम करता है। तो कार के साथ साथ भी आप इसको घर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक टीवी है या कोई भी एक डिवाइस है जिसमें ब्लूटूथ का ट्रांसमीटर है, मींस जैसे हमारा टीवी में ब्लूटूथ रहता है, मोबाइल फोन में भी ब्लूटूथ रहता है, तो कोई भी डिवाइस में अगर ब्लूटूथ है और आपके पास ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं है तो नॉर्मल आप एक ईयरफोन को लेके भी इसमें लगा सकते हैं और इसको आप डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी टीवी है उसमें ब्लूटूथ है तो उसको भी मोबाइल फोन की तरह आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं ये म्यूजिक पुल के साथ। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं, मैं माइक्रोफोन इसके पास लेता हूँ। ये तो हो गया, आप इसमें ईयरफोन लगा के भी आपका टीवी का साउंड या मोबाइल फोन का साउंड इसमें सुन सकते हैं। और सेकेंड काम है कि अगर आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, जैसे मैं ये कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, अगर आप आपका मोबाइल फोन से कुछ गाना आपका म्यूजिक सिस्टम में बजाना चाहते हैं और आपका म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है तो भी ये डिवाइस काफी हेल्पफुल होता है। तो वो सिचुएशन में आपको उसका ऑक्सिलरी केबल जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको एक एंड से लगा देते हैं और दूसरा एंड जो है वो आपका म्यूजिक सिस्टम में लगा दीजिए, या आपका म्यूजिक सिस्टम में अगर 3.5 mm का पिन है तो आप उसको भी डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप आपका मोबाइल फोन हुआ या टीवी का ऑडियो को आप आपका म्यूजिक सिस्टम में सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑन करके आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे सुन सकते हैं। तो आप आपका घर में कुछ होम थिएटर है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है या कोई भी साउंड का बॉक्स है या साउंड बार है तो उसको भी आप इसके थ्रू में कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये उसका ब्लूटूथ का काम करता है और वो आपका जो ब्लूटूथ ट्रांसमीटर जो भी डिवाइस में रहता है जैसे मोबाइल फोन हुआ, टीवी हुआ, उसको ये कनेक्ट कर देता है। तो इसको आप आपका कार में भी यूज कर सकते हैं, आपका घर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।